आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक नेटवर्क पर एक अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया हुआ है, तो आइए देखते हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है और उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ड्रॉ द ड्यूल ऑफ द नेटवर्क इन फिगर। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन का क्या करना है, ड्यूल नेटवर्क बनाना है। तो आइए देखते हैं ड्यूल नेटवर्क किस प्रकार से बनाया जाता है और ड्यूल नेटवर्क बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमको इस सर्किट पे अप्लाई करने होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, आप लोग इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट पे इलेक्ट्रिक सर्किट वाले पार्ट पर जाएं, वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी का एक वीडियो है, उसको आप लोग अच्छे से समझें और अच्छे से देखें। जब आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों के पास इतना बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स भी बताए गए हैं जिनसे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिक सर्किट वाले प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी को देखें, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करें, तो आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व होगा। तो अब हम लोग क्या करें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी पे कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं, तो उन स्टेप्स को इस फिगर पे या इस सर्किट पे अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों को पहले स्टेप में क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी का पहला स्टेप है कि हम लोगों को इस फिगर या इस सर्किट या इस नेटवर्क पर मेस का पहचान करना होगा। किसका मेस का पहचान करना होगा, तो यहाँ पर देख पाएंगे हम लोगों के पास कितने मेस अवेलेबल हैं, तीन मेस अवेलेबल हैं। कितने, तीन मेस अवेलेबल हैं। तो पहले मेस पर देखेंगे कौन कौन से इलेक्ट्रिकल सर्किट के एलिमेंट कनेक्ट हैं। पहले मेस पर R3, इंडक्टेंस L और कैपेसिटेंस C, ये तीन एलिमेंट कनेक्ट हैं। और दूसरे मेस पर देखेंगे R4, कैपेसिटेंस C और R5, ये तीन एलिमेंट कनेक्ट हैं। और तीसरे मेस पर देखेंगे R1, V, R2, R3 और R4, ये पांच एलिमेंट कनेक्ट है। तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी ड्यूल नेटवर्क बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग सर्किट पे किसकी पहचान करेंगे, मेस की पहचान करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा इस सर्किट या इस नेटवर्क पर कितने मेस हैं, टोटल तीन मेस हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मेस की पहचान करने के बाद, मेस की पहचान करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस नेटवर्क या इस फिगर पर जितने भी मेस हैं, हर एक मेस के लिए हम लोगों को एक डॉट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक डॉट लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये पहला मेस है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डॉट ले लिए, इस दूसरे मेस पर यहाँ पर एक डॉट ले लिए और इस तीसरे मेस पर एक यहाँ पर डॉट ले लिए। तो स्टेप वन क्या होता है ड्यूल नेटवर्क का, हम लोगों को सर्किट या नेटवर्क पर जितने भी मेस होते हैं, हर एक मेस के लिए क्या करना होता है, हम लोगों को एक डॉट बनाना होता है। हर एक मेस के लिए हम लोगों को एक डॉट बनाना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डॉट बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी के स्टेप टू को अप्लाई करेंगे। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी के स्टेप टू को देखेंगे। स्टेप टू में क्या होता है, हम लोगों को एक रेफरेंस डॉट लेना होता है। क्या लेना होता है, एक रेफरेंस डॉट लेना होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक रेफरेंस डॉट लेना है। तो वह रेफरेंस डॉट कहाँ लेना है, वह रेफरेंस डॉट सर्किट के आउटसाइड होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया,
इस रेफरेंस डॉट को सर्किट के आउटसाइड ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी डॉट को नंबरिंग करेंगे या नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले डॉट को क्या नेमिंग कर देते हैं, ए। दूसरे डॉट को क्या कर देते हैं नेमिंग, बी। तीसरे डॉट को सी, और जो रेफरेंस डॉट है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डी नाम दे देते हैं। तो हम लोगों ने स्टेप टू पे क्या किया, स्टेप टू पे क्या करना है, हम लोगों को एक रेफरेंस डॉट लेना है जो कि सर्किट के क्या होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी के स्टेप टू को कंप्लीट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थ्री को देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी के स्टेप थ्री को समझेंगे और इस सर्किट पे अप्लाई करेंगे। तो स्टेप थ्री में क्या करना होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी के स्टेप थ्री में क्या करना होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी के स्टेप थ्री के भी दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम लोगों को क्या करना होता है, जितने भी इंटरनल डॉट होते हैं, तो यहाँ पर कितने सारे इंटरनल डॉट हैं, ए बी और सी, जितने भी इंटरनल डॉट होते हैं वहाँ पर सभी इंटरनल डॉट को आपस में कनेक्ट करना होता है। तो आपस में कनेक्ट करते समय क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को एक एक करके आपस में लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बी डॉट और सी डॉट को आपस में कनेक्ट करेंगे, किसको लेते हुए, कैपेसिटेंस को लेते हुए। हम लोगों ने क्या किया, जो बी डॉट है और सी डॉट है उसको आपस में कनेक्ट किया। अब हम लोग किसको किसको कनेक्ट करेंगे, ए और बी डॉट को। तो ए और बी डॉट को कनेक्ट करते हुए किस रेजिस्टेंस को लेंगे, R3 रेजिस्टेंस को लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और सी डॉट को लेंगे। जब ए और सी डॉट को लेंगे तो कौन से रेजिस्टेंस को लेना पड़ेगा, R4 को लेना होगा। तो हम लोगों ने स्टेप थ्री के पहले पार्ट को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों को इंटरनल डॉट को आपस में कनेक्ट करना था, एक एक एलिमेंट को अलग अलग लेकर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, स्टेप थ्री के पार्ट वन को कंप्लीट किया, जहाँ पर हम लोगों ने इंटरनल डॉट के साथ हर एक एलिमेंट को कनेक्ट किया। अब हम लोग स्टेप थ्री के पार्ट टू को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, स्टेप थ्री के पार्ट टू में अब क्या करेंगे, जितने भी इंटरनल डॉट हैं, कौन कौन से इंटरनल डॉट हैं, ए बी सी, इससे होते हुए हम लोगों को हर एक एलिमेंट को बारी बारी लेते हुए कहाँ से कनेक्ट करेंगे, पॉइंट डी या रेफरेंस डॉट पर कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कनेक्ट या बी पॉइंट या बी डॉट के साथ डी डॉट को कनेक्ट करेंगे, कौन से एलिमेंट को, कट करते हुए या लेते हुए, इंडक्टेंस को लेते हुए। तो हम लोगों ने इस इंटरनल डॉट के साथ रेफरेंस डॉट को कनेक्ट किया। इसी तरीके से क्या करेंगे, हर एक इंटरनल डॉट के साथ जो जो एलिमेंट बच गए हैं उसको रेफरेंस डॉट के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हम लोग डॉट सी के साथ डॉट डी का कनेक्ट करेंगे, कौन से एलिमेंट को लेते हुए, रेजिस्टेंस R5 को लेते हुए। तो हम लोगों ने जो डॉट बी है और डॉट सी के लिए इस स्टेप को कंप्लीट किया। अब हम लोग पॉइंट ए के साथ रेफरेंस डॉट डी के साथ कनेक्ट करेंगे, सभी एलिमेंट को लेते हुए। अभी हम लोगों ने ए के साथ किसको लिया, R2 को लिया, और रेफरेंस डॉट डी के साथ कट करते हुए उसको कनेक्ट किया। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग उसी प्रकार से रेजिस्टेंस R1 को लेंगे, तो रेजिस्टेंस R1 को कट करते हुए हम लोगों ने डी पॉइंट पर पहुंचा। अब कौन सा एलिमेंट बच गया है, इस वोल्टेज सोर्स को, इस वोल्टेज सोर्स को भी ले लेते हैं। तो हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स को कट करते हुए डॉट ए और डॉट डी को जोड़ा। तो हम लोगों को क्या करना था, स्टेप थ्री पर
जितने भी सर्किट के एलिमेंट हैं उनको जो रिफरेंस डॉट है या इंटरनल डॉट है उनको बारी बारी लेते हुए कनेक्ट करना था। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी के स्टेप 4 को अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना होगा, स्टेप 4 अप्लाई करने से पहले जो भी डॉट बनाए हैं ए बी सी डी, अब ये डॉट क्या बनेंगे, ड्यूल नेटवर्क के लिए नोड बन जाएंगे। ड्यूल नेटवर्क के लिए क्या बनेंगे, जितने भी डॉट बनाए थे वह ड्यूल नेटवर्क के लिए अब नोड की तरह काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, नोड की तरह। तो अब हम लोग देख पाएंगे हम लोगों को कितने सारे नोड मिलेंगे ड्यूल नेटवर्क के लिए, 1 2 3 4। तो हम लोग जब इस सर्किट का ड्यूल नेटवर्क बनाएंगे तो हम लोगों के पास 4 नोड अवेलेबल रहेंगे। कितने, 4 नोड अवेलेबल रहेंगे। तो अब हम लोग इस नोड को लेकर एक सर्किट बनाएंगे जो कि इस सर्किट का क्या होगा, ड्यूल नेटवर्क होगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस नोड को कॉपी पर अलग से बना लेना होगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं नोड ए को, यहाँ पर बना लेते हैं नोड बी को, और यहाँ पर बना लेते हैं नोड सी को, और जो रिफरेंस डॉट या रिफरेंस नोड है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों ने सभी नोड को अलग से ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने क्या किया, इस रिफरेंस डॉट डी के लिए या रिफरेंस नोड डी के लिए एक लाइन ले लिया। अब क्या करेंगे, जो पहले वाले सर्किट हैं जिनका हम लोगों को ड्यूल नेटवर्क बनाना है उससे अब हम लोग यहाँ पर ड्यूल नेटवर्क बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बी और डी के बीच में कौन सा एलिमेंट को कट किए हैं, इंडक्टेंस को। बी और डी के बीच में कौन से एलिमेंट को कट करते हुए हम लोगों ने ज्वाइन किया था, इंडक्टेंस को। तो यहाँ पर भी हम लोग बी से डी के बीच में कनेक्ट करेंगे। तो जब हम लोग बी और डी के बीच में इंडक्टेंस को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो वो जो इंडक्टेंस है जब उसका ड्यूल बनाया जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है, कैपेसिटेंस की तरह। जब हम लोगों को इंडक्टेंस का ड्यूल बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस हो जाता है। तो ये आप लोग ऐसा नॉलेज या इसको कहाँ से समझ पाएंगे, जो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी पर, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी पर सभी टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है। जब इसका ड्यूल नेटवर्क बनाया जाता है तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे बी और डी के बीच में जो इंडक्टेंस था जब हम लोग इसका ड्यूल नेटवर्क बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। अब हम लोग अगला लेते हैं डॉट बी या डॉट सी के बीच में देखेंगे कौन सा एलिमेंट कट करते हुए जोड़ा है हम लोगों ने, कैपेसिटेंस को। जब इस कैपेसिटेंस का ड्यूल नेटवर्क बनाएंगे तो बी और सी के बीच में हम लोगों को किसको कनेक्ट करना होगा, इंडक्टेंस को कनेक्ट करना होगा। तो जो कैपेसिटेंस का ड्यूल क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कौन सा एलिमेंट को कट करते हुए हम लोगों ने कनेक्ट किया है, आर थ्री को। जब आर थ्री का या रेजिस्टेंस का ड्यूल बनाएंगे तो वो क्या हो जाता है, कंडक्टेंस हो जाता है। कंडक्टेंस को हम लोग जी लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने आर थ्री का क्या लिखा, जी थ्री लिखा। अब हम लोग देखेंगे ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में क्या कनेक्ट है, रेजिस्टेंस आर फोर। तो आर फोर का जब हम लोग ड्यूल नेटवर्क बनाएंगे किसके किसके बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में, तो उसका क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस के रूप में कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो आर फोर का क्या हो जाएगा, जी फोर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने
अभी इंटरनल डॉट के लिए कंप्लीट किया। अब हम लोग सी और डी डॉट के बीच में देखेंगे रेजिस्टेंस क्या है। R5 है तो सी और डी के बीच में कनेक्ट करेंगे, तो रेजिस्टेंस को हम लोग कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं, कंडक्टेंस का। तो R5 का क्या हो जाएगा, G5 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जो B डॉट है C डॉट है उनके लिए कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को ये डॉट A के लिए रेफरेंस डॉट D का जो कनेक्शन है उसको कंप्लीट करना होगा, तो उसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख पाएंगे A और D जो रेफरेंस डॉट हैं उनको लेते हुए हम लोगों ने सबसे पहले किसको लिया था, रेजिस्टेंस R1 को लिया था। अब उस रेजिस्टेंस R1 को A और D नोड के बीच में ड्रॉ करेंगे, तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाता है, कंडक्टेंस हो जाएगा। तो R1 का क्या हो जाएगा, G1 हो जाएगा। तो R1 का हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया, G1 में कन्वर्ट किया। अब क्या करेंगे, अब दूसरे एलिमेंट को देखेंगे। A और D के बीच एक और एलिमेंट है, वो क्या है, R2 है। जब R2 का ड्यूल बनाएंगे तो हम लोगों को कैसे मिलेगा, R2 का ड्यूल जो मिलेगा वह भी कंडक्टेंस के फॉर्म में मिलेगा। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो गया, G2 हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स बचा है जो कि A और D के बीच में कनेक्ट है, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक से इसका ड्रॉ करना होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, इस वोल्टेज सोर्स का ड्यूल बनाना है। तो जब कभी भी वोल्टेज सोर्स का ड्यूल बनाया जाता है तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, करेंट सोर्स की तरह। ध्यान से सुनिए, वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्लेस करेंगे, करेंट सोर्स की तरह। अब हम लोग करेंट का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो करेंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, प्लस साइन यहाँ है और माइनस साइन यहाँ है, तो जो भी करंट निकलता है वो कौन से साइन से निकलता है, प्लस साइन से निकलता है, और करंट माइनस साइन से इंटर करता है। तो जब कभी भी यहाँ करंट निकलेगा या करंट यहाँ से प्रोड्यूस होगा तो कहाँ से कहाँ की ओर जाएगा, A से D की ओर जाएगा, क्योंकि प्लस साइन इधर है माइनस साइन यहाँ पर है। अगर हम लोग पोलैरिटी को अपोजिट कर देते, कैसे कर देते, माइनस से प्लस, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता, डी से ए। लेकिन हम लोगों को सर्किट में अभी प्लस साइन पहले दिया है और माइनस साइन बाद में, तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ए से डी की ओर। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके ड्यूल को बना लेते हैं। तो ड्यूल को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ए से डी के बीच में इस वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्लेस करना होगा, करंट सोर्स की तरह रिप्लेस करना होगा, जिसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर होगा, ए से डी की ओर। तो हम लोगों ने क्या किया, यह जो सर्किट दिया था उसका हम लोगों ने ड्यूल नेटवर्क को ड्रॉ किया। इसी के साथ ही हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको यह क्वेश्चन बताने का मेथड या बनाने का मेथड दोनों अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।